सो अभी गाइज कुछ टाइम पहले एक वॉच आई थी फायरबोल्ट की वोक करके, तो ये बहुत ही प्रीमियम वॉच थी बेसिकली, और एप्पल वॉच सीरीज एट अल्ट्रा की हूबहू कॉपी लगती थी। बहुत सारे फीचर के साथ देखने को मिलती थी वॉच, ये आपको पता ही है ना। तो इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी थी, 2.05 इंचेस की डिस्प्ले के साथ ही वॉच आती थी, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले थी इसकी। बट कुछ फ्लॉज भी थे इसके अंदर, बहुत सारे लोगों को फ्लॉज आ रहे हैं, वो हम इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे आज। और काफ़ी प्रीमियम लगती थी वैसे वॉच, अभी भी अवेलेबल है ऑन अमेजॉन पे, आपको देखने को मिल रही है 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, ये चेन वाला स्ट्रैप बेसिकली। और नॉर्मल वाला स्ट्रैप आपको 2200 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गोल्ड वाला काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये वाला इस तरीके से, और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है इसकी। IPS डिस्प्ले मिलती है बेसिकली इसमें, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है या जो भी है, मतलब सब कुछ रिजॉल्व करने वाला हूं यहां पे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सारे के सारे फीचर्स तो मैंने आपको बताए रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से UI मिलता है, फायरबोल्ट की जो एटलास थी ना वॉच उसी की तरह देखने को मिलता है पूरा का पूरा UI। NFC का सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, मोशन सेंसिंग गेमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो टन्स ऑफ फीचर के साथ ही वॉच आती है। बट सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है लोगों को इसमें, जो है बैटरी इशू। मैंने एक वीडियो डाली थी ये इस तरीके से वाली, मैंने वीडियो डाली थी बैटरी इशू, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया ये सब इशूज़ आ रहे हैं लोगों, और उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन सब का हम यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है वो आपको देंगे फिलहाल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, मतलब बैटरी की, तो बैटरी इसकी मतलब डेफिनेटली यहाँ पे डाउन है, बैटरी इसकी जल्दी जाती है। अगर मैं बात करूँ आप सभी से, तो मैंने इसको चार्ज करके रख दिया था, और आइडल बेसिस पे भी इसकी बैटरी अराउंड चली जाती है 3 से 4% निकल जाती है। एक दिन में 4 से 5% आपकी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, बैटरी खत्म हो जाएगी। बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ करने की बात मैं कर रहा हूँ, तब ये बैटरी 4% जाती है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर इसकी ऑन कर दोगे तो और ज़्यादा बैटरी जाएगी। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो सबसे पहला इशू आया है इनको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं पता चल रहा है कैसे ऑन होगी। तो ये देखो उदित ने पूछा है यहाँ पे, AOD तो नहीं है मेरी वाली वॉच में, तो AOD आपको कहाँ से ऑन करना मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो सबकी वॉच में AOD, यहाँ पे जाना है आपको सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपका इधर की साइड जाना है स्क्रीन टाइम में, स्क्रीन टाइम में यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे होगे तो ऑलवेज ब्राइट का ऑप्शन आता है, जब ये ऑलवेज ब्राइट रख लोगे ना आप तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम के लिए रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑफ करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ऑफ होने में आई थिंक, तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा। फिर अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बैटरी कितनी रहेगी, देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे इसकी बैटरी अराउंड 5 से 6 घंटे चलेगी, या 7 घंटे मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, उसके ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि ये देखो ये रहा इस तरीके से। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट वेक भी काम करता है इसमें, ये भी ध्यान रखना आप सब, ठीक है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रेस्ट वेक भी ऑन कर रखा है आपने, कॉलिंग भी ले रहे हो, तो आपकी वॉच एक दिन में 2 बार चार्ज करनी पड़ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रखें अगर आपको बैटरी सेव करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो इशू आया वो चेक करते हैं लोगों को, मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको इशू रिजॉल्व कर दिया है। सेकंड जो इशू है यहाँ पे, बैटरी मेरे 4 दिन और सेंसर नहीं करता, मतलब सेंसर नहीं करता, यहाँ पे सेंसर काम नहीं करते, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से कैसे। यहाँ पे हार्ट रेट जैसे कि है सपोज, यहाँ पे आपको चारों लाइट जलती हैं, तो गाइस मैं सिंगल सेंसर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, और यहाँ पे स्कैन करने के लिए आपको यहाँ पे एकदम पहनना है इधर की साइड, और आपको थोड़ा सा वेट करना है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे हार्ट रेट आपको बता देगा, ठीक है। यहाँ पे एज सच कोई आपको मैथ्स कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो आपको यहाँ पे वो करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बता देगा, और सेंसर प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं मेरे यूनिट में, तो खासकर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। अब गाइस SPO2 के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ECG मॉनिटर बिल्कुल भी ना चेक करें, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ECG मॉनिटर, SPO2 लेवल मॉनिटर ना ही चेक करें, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, इवन यहाँ पे आप टेम्परेचर मॉनिटर भी ना करें, क्योंकि टेम्परेचर मॉनिटर का सेंसर ही नहीं दिया गया पीछे की साइड आपको यहाँ पे, दैट्स इट। और यहाँ पे सिंगल ही सेंसर मिलता है हार्ट रेट मॉनिटर का, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे और कोई इशू ले लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको कनेक्टिविटी भी यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं BeatXP मार्व रेज बेटर है या वोग। देखो वोग एप्पल वॉच सीरीज अल्ट्रा की कॉपी लगती है, तो ये ज़्यादा बेटर लगेगी एप्पल वॉच सीरीज अल्ट्रा की तरह लगती है लुक, और कोई भी पहचान नहीं सकता आपने हाथ पे पहन रखी है, तो ये ध्यान रखना। तो इसी वजह से यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देती है हाथ पे, ठीक है। तो और BeatXP मार्व रेज कम प्राइस में भी मिलती है, ऑब्वियसली बात है इससे हाफ प्राइस में मिलती है, तो मार्व रेज आपकी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। बट अगर आपको एप्पल वॉच सीरीज का लुक चाहिए तो इस वॉच के लिए जा सकते हो। और सेम प्रॉब्लम मेरे में बैटरी इशू, तो बैटरी इशू इसको कैसे रिजॉल्व करें, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें बैटरी सेव करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है इधर की साइड, और यहाँ पे देखो 58% बच गई है, 61 से 58 हो चुकी है, तो इतने में यहाँ पे बैटरी बहुत ज़्यादा खींच रही है ये वॉच। तो यहाँ पे डिमिंग में जाना है, यहाँ पे डिमिंग में नहीं, यहाँ पे स्क्रीन टाइम पे जाना है, यहाँ पे स्क्रीन टाइम आपको 30 सेकंड का रख लेना है, ठीक है। 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी, तो रेस्ट वेक यहाँ पे प्रॉपर्ली काम करेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे तो बैटरी आपकी 1.5 दिन तक चल जाएगी आराम से, ठीक है। कॉलिंग पे मैं ये कह रहा हूँ, मेरी वॉच कॉलिंग पे 1.5 दिन तक बैटरी बैकअप दे रही है आसानी से, ठीक है। उसके बाद अगर आपका हार्ट रेट SPO2 मॉनिटर काम नहीं कर रहा, तो सही जगह पे स्नग फिट करके आप इसको पहने, ठीक है। और उसके बाद कनेक्टिविटी
इशू आ रहा है, तो कनेक्टिविटी इशू में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, वैसे ही देखो यहाँ पे कनेक्टेड है। अब किस वॉच के साथ, किस फोन के साथ कनेक्टेड है वो तो मेरे को नहीं पता, बट अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक्चुअली एप्लीकेशन भी नहीं खोली, यहाँ पे बस वॉच को ऑन किया है ऑफ करके, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कनेक्टेड है, आईफोन के साथ कनेक्टेड है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये मेरे में यहाँ पे जो स्पीकर की क्वालिटी है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रही है, अब सही आ रही है, थोड़ा सा कम कर लूँगा तो यहाँ पे साफ आती है। कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं है एज सच, और ओटी अपडेट थ्रू क्या आएगा, नो गाइज नहीं आएगा, ठीक है। कंपनी रिजॉल्व नहीं करने वाली, मतलब कंपनी ओटी अपडेट नहीं निकालने वाली, मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे ये तो आईओएस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, इसकी मैं कनेक्टिविटी इशू वाली वीडियो बनाना चाह रहा था, बट चलो बना ही देता हूँ आपके साथ ही। देख सकते हो आप जो एप्लीकेशन है, FB एक्टिव करके एप्लीकेशन है, आपको ये इंस्टॉल करनी है FB एक्टिव करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आई डिवाइस पे जाना है, अब टर्न ऑन कर देना ब्लूटूथ और लोकेशन सर्विसेज, दो चीज़ें आपको ऑन कर देनी है अगर आपको वॉच को पेयर करना है अपने फ़ोन के साथ। यहाँ पे देखो बहुत सारी वॉचेस आ चुकी हैं, अब ये वाली कौन सी वॉच है, तो यहाँ पे हमको चेक करना है, सेटिंग पे जाना है आपको, और यहाँ पे सबसे लास्ट में अबाउट का ऑप्शन होगा, अबाउट में आपको 131 दिख रहा है, तो इसको आपको कनेक्ट कर लेना है। देखो आपको रीसेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपके इसके साथ कनेक्ट थी, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी आपको एंड्रॉइड डिवाइस के साथ आसानी से, ठीक है। आईओएस कनेक्शन मैं डेडिकेटेड ले आऊँगा एक वीडियो, जहाँ पे मैं सारी की सारी चीज़ आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखो कॉलिंग वाला भी कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल लग जाएगी आपकी, तो यहाँ पे डबल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, सेकंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे हो चुकी है, और यहाँ पे कॉल भी लग रही है प्रॉपरली। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लाउडनेस भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो फ़ोन से, ठीक है। और यहाँ पे स्पीकर डिस्टॉर्ट भी नहीं कर रहा है, आईफोन से पता नहीं क्यों डिस्टॉर्ट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वॉच फेस तो आपको पता ही है, इतने सारे मिल जाते हैं, और यहाँ पे गैलरी वाला वॉच फेस भी रख सकते हो, ये मैंने रिव्यू में बता रखा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। टर्न्स ऑफ वॉच फेस मिल जाते हैं, वॉच फेस अगर नहीं लग रहे हैं आपको बार बार ट्राई करना है। और यहाँ पे आपका एल्बम वाला वॉच फेस भी मिल जाता है, जो मैंने अभी फिलहाल लगा रखा है, इस तरीके से 5 वॉच फेस एक साथ लगा सकते हो। वीडियो डायल वाला वॉच फेस मिल जाता है, बट इसमें जब वीडियो डायल वाला वॉच फेस लगाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग करती है वॉच, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आई वॉच वाला टाइप का मेन्यू भी देखने को मिल जाता है, इस तरीके से इसको आप लगाते हो तो काफ़ी कमाल का लगेगा ये, अगर वॉच में लगेगा, क्योंकि एकदम एज टू एज लगता है, और एप्पल वॉच सीरीज 8 की तरह लुक लगता है वॉच का पूरा। सो गैस यहाँ पे लग चुका है, देखो एप्पल वॉच सीरीज 8 का लुक आ रहा है पूरा का पूरा। और गैस इसमें इशू क्या आ रहा है आपको, देखो ऐप मार्केट में अगर ऐप आपको डाउनलोड करनी है वॉच में, तो ऐप यहाँ से आप पुश कर सकते हो, ऐप है, गेम्स है, सब कुछ इसमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपका मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे टैप करोगे मेन्यू पे जाओगे तो यहाँ पे आपका जो ऐप है और गेम है यहाँ पे शो करेगा। देखो फिलहाल यहाँ पे जो गेम है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने एक ही वाला रखा हुआ है, एग्जिट यहाँ पे कर सकते हो इधर की साइड से। उसके बाद ऐप मार्केट में यहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशन टाइप की मिल जाती हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली यहाँ से, जैसे आपका वॉच फेस ट्रांसफर होता है वैसे एप्लीकेशन यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है थ्रू द इस द ये जो FB एक्टिव एप्लीकेशन है। मोशन सेंसिंग गेमिंग यहाँ पे कुछ गेम्स मिल जाते हैं जो थ्रू आप फ़ोन ही खेल सकते हो, और इस वॉच से प्रॉपरली अच्छी तरीके से काम भी करते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा नेट का कनेक्शन बेटर होना चाहिए। यहाँ पे अभी आई थिंक यहाँ पे लोड हो रहा है, यहाँ पे परचेज रिकॉर्ड भी है, और यहाँ पे देखो कितने सारे गेम्स हैं, तो इन सब में से गेमों में से आप खेल सकते हो जॉन्स आपको खेलना है, क्योंकि इसमें NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। करना क्या, आपको एंटर द गेम करना है, उसके बाद इस वॉच से हाथ की मूवमेंट से आप गेम को खेल सकते हो, स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। रैपिड रिदम जुम्बा का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस तरीके से, और ग्रैंड स्लैम टेनिस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें इसमें काम करती हैं प्रॉपरली अच्छी तरीके से, ठीक है। और आगे बात करें, यहाँ पे फाइंड वॉच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे वॉच पूरा रिंग करती है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। माई कार्ड, कार्ड स्टोर करना है आपको यहाँ पे, लाइन का, इंस्टाग्राम का, कोई सा भी आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पे रख सकते हो वॉच में इटसेल्फ, ठीक है। और इंस्टाग्राम का सपोज हम रखते हैं यहाँ पे, तो इंस्टाग्राम का रखने से पहले यहाँ पे हमको जाना है, मेरे प्रोफाइल पे जाना है, वैसे आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है इधर की साइड, यहाँ पे QR कोड पे, QR कोड पे जाने के बाद इस QR कोड को यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, तो यहाँ पे आपको सेव करना है। सेव क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना दूसरी प्रोफाइल पे, मतलब अपनी ही, और इसको यहाँ पे सेव कर लेना है, गैलरी में आपके फोटो आ जानी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे FB एक्टिव एप्लीकेशन खोलनी है, और इंस्टाग्राम का आपको QR कोड आपको ओपन करना है, और यहाँ पे देखो सेव पिक्चर अपलोड मेथड पे करना है, ठीक है। सो गैस यहाँ पे आप डिफरेंट उसके प्लेटफॉर्म के QR कोड रख सकते हो, जिसकी मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है, और इस इंस्टाग्राम के QR कोड को आप अपने फ्रेंड को दिखाओगे तो आपका फ्रेंड यहाँ से आसानी से वो कर सकता है, इस तरीके से आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से इंस्टाग्राम खुल रहा है, और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पे आपको ये फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, इस तरीके से खुल जाता है, तो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है।
अब गाइस आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे माई पेमेंट कोड भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, पेपॉल का ही है बेसिकली फिलहाल तो। और यहाँ पे पेपॉल की जगह आई गेस यहाँ पे दूसरा रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। और इसी के बस यहाँ पे फॉर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन एक मिल जाता है, बट यहाँ पे फॉर्मवेयर ऑलरेडी अप टू डेट है। एक ओटी अपडेट निकालने की जरूरत है कंपनी को, जिसके थ्रू इसका बैटरी इशू वो रिजॉल्व हो पाए, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट, और इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड रहती है वॉच। अब गाइस बैटरी कितनी बची है, इतना मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, 61% बैटरी थी और यहाँ पे बची हुई है बैटरी 51 हो चुकी है, तो 10% ऐसे उठ चुकी है। तो बैटरी बैकअप डेफिनेटली यहाँ पे इसका डाउन है, और इसको मतलब सही करने के लिए आपको थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करना है। वही है कि मतलब जब भी हो सके आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ ही रखें पहले तो। दूसरा, इसमें जो आपका सॉन्ग्स लिसनिंग का ऑप्शन है, आप कम ही सॉन्ग सुने वॉच में इटसेल्फ, ठीक है। कॉलिंग वॉलिंग पर बात करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉलिंग पे वन डे ही चलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे दो बार चार्ज करनी पड़ जाएगी आपको, इवन तीन बार भी चार्ज करनी पड़ सकती है। तो बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा डाउन है इस वॉच का, जो आपकी फायरबोल्ट की वोग है, ठीक है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा आप सभी के लिए इशू रिजॉल्विंग वीडियो। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रह जाता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।